हम दोनों बाप बेटा आराम से सोए हुए थे और ये इधर रील्स बना रही है तैयार होके आराम से। तो हम लोग आए हुए अभी छत पे, इसका रील्स वील्स हो गया। अभी छत पे भी एक रील्स बनाई है, सिर्फ सजती धजती है, सिर्फ रील्स बनाने के लिए इतना। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी दोपहर के बज चुका है 2, अभी हम जस्ट उठे हैं। 2 के आसपास है, अभी जस्ट हम सो के उठे हैं, क्योंकि रात में तो अभिजीत का बर्थडे का पार्टी था, तो रात भर वो लोग सोने नहीं दिया। सो रहे हैं तो कभी मुंह पे स्प्रे मार दे रहा है, कभी पैर खींच के नीचे गिरा दे रहा है, ऐसे ही नौटंकी होते रहा। तो रात भर तो सो नहीं पाए, तो घर आए सुबह 7 बजे। तो खाना वाना खा के, खाना क्या ब्रेकफास्ट किए, उसके बाद जो सोए जो अभी उठे हैं। अभी हम उठे हैं तो दिखाते हैं पूजा क्या कर रही थी। हम दोनों बाप बेटा आराम से सोए हुए थे और ये इधर रील्स बना रही है तैयार होके आराम से, सज धज के एकदम। हम सोचे अरे भाई, जैसे ही सो के उठे तो सोचा अरे इतना खूबसूरत लड़की कौन है, फिर ध्यान देखा अरे ये तो हमारे बीवी है। हमको लगा कहीं जा आ रही का, कहीं भाग उग रही है का, नहीं हमको लगा ना कि घर नहीं सुने ना, हमको लगा घर छोड़ के भाग रही है। काफी सोचा ना इतना अच्छा किस्मत मेरा कहाँ आ जाएगा। इतना सजी धजी है सिर्फ रील्स बनाने के लिए। ठीक है तो खाली साड़ी पहनती, ये गला सेट, ये कनवाली, थोपड़ा पे मेकअप, ये सब का है का इसी, मतलब मानती है कि बिना मेकअप का खूबसूरत ना लगती है तू। अब जाएगी, अब रील सभी देख रही, बहुत दिन से खूब सुंदर नहीं लगा इसीलिए। तुम्हारा भरम है कि पहले खूबसूरत नहीं लगती थी, तो अभी भी नहीं लग रही है। अभी रील्स सेलेक्ट हो गया कि ये रील्स बनाना है, अब इसके बाद जाएगी रील्स बनाएगी। इधर नहीं बनाएगी, बगल वाले रूम तरफ बनाएगी आराम से बैठ के। हमको जैसे उठे थे कह रहे तैयार हो गए काजरी, अब तो सोच में पड़ गए एक बार के हम अपने घर में सोए हुए ना। आपको सरप्राइज दे लें, फिर तो हार्ट अटैक आ जाता है हमको कि कौन चुड़ैली खड़ा है। ये भी पूछने वाला बात है, तुम हमसे पूछ रही है कि बता रही है? आपको बता रहा है, अब जब तुम बोल रही है तो जाहिर सी बात है सही बोल रही है। इसका रिएक्शन कैसा? अरे कॉपीराइट आ गया, 60 वाट कैसे पहन के रखा? इसका रिएक्शन कैसा है? फटाक से उठा दे, कह रही कहाँ चल रहा है मेरे घर में? कहाँ हो रहा है बच्चा? तू सोता था ना बेटा, पता है? इसका रिएक्शन ही गजब था एकदम। एक और लाइन याद नहीं होता है। फालतू का थोड़ी काम करते हैं। फटाक से उठा एक आएगी, दिखा रहे कहाँ चल रहा है, अंगड़ाई लिया फटाक से खड़ा हो गया, ऐसे करके देखने लगा। मम्मी बेटा बोल रहा है कहाँ चल रहा है मेरे घर में? हमको पहचान रहा है ना? आ देखो तो ये कौन है, कौन है, कौन है? हमको पहचान रहा है कि नहीं? मम्मा की तरह बेटू, मम्मा मम्मा है बेटा, मम्मा है। नहीं हाँ मम्मा, मम्मा है बेटा, हम मम्मा है, हमको पहचान ना, ठीक है? हम ऐसी लगते हैं, छत पे इसका रील्स वील्स हो गया। अभी छत पे भी एक रील्स बनाई है, सिर्फ सजती धजती है, सिर्फ रील्स बनाने के लिए इतना। मेरे सिपुली की तरह अब पालक देखिए, पूरा
क्या कर रहा था? ये बालक इतना तेज है, जब देखेगा कि चाहे हम चाहे पूजा इसको डांटेंगे तुरंत आके एकदम दुलारने लगेगा, पापा ये वो दिखाने लगेगा। और जब देखेगा कि बहुत ज्यादा गुस्सा गए हैं तो तुरंत पैर पकड़ने लगेगा। हाँ 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 हाँ, पापा पटा गए। अब ट्रेन आया, अब जाएगा वहाँ पे, अपना वहाँ कोने पे चला जाएगा, वहीं से देखते रहेगा ट्रेन में लेना था। लाइट वाइट है ना छत पे, लाइट है तो अभी मतलब सूरज शाम जब अभी जाता है ना तो ज्यादा शाम नहीं हुआ है, तो चलो मार्केट से आते हैं घूम के। हाँ सब हमें देखने लगेगा, काम धंधा कुछ है नहीं, जब देखेगी इसको फ्री टाइम मिलेगा तो रील्स देखेगी, और फिर देखेगी क्या बनाना है, फिर दो हर दो दिन के बाद ऐसे ही तैयार हो जाएगी, पूरा रील्स रील्स बनाएगी। हाँ साड़ी लगता है ना, कब पहने आपको पता है, शादी पिछला बार शादी में गए थे ना, तब फर्क सिर्फ इतना साड़ी पे मतलब आज साड़ी पहनी है, पहले सूट पहनती थी फिर बाल लग गया उधर। यार टिकलू इधर, हाँ इधर ही से आओ, उधर नहीं जाना है तुमको। गुड बॉय। ये पता होगा इन लोग के नहीं, लेकिन पता है ये 100 रुपया का साड़ी है। हाँ ये वैसे ज्यादा महंगा साड़ी नहीं है, सिर्फ ओनली 99, 100 रुपये का भी नहीं, 99 रुपये का साड़ी है सिर्फ। हाँ सिर्फ 99 का मंगवाई थी अमेजन से, मंगवाई थी सिर्फ ओनली 99, बस 99 रुपये का साड़ी पहन के पूरा चमक धमक रही है, बस हो गया। ना जानते हैं इसीलिए हम पहनोगे, इसीलिए कि देख रहे हैं अच्छा लगता है कि क्वालिटी अच्छा है कि ना, पहनने को आज ये फर्स्ट बार पहनी है। हाँ, मतलब ब्लाउज वगैरह सिलवाई थी उसके बाद। हाँ, कल ही आए तो अच्छा, और सिलाए भी है देखिए पूरा नया स्टाइल। सीधू देखिए अपने पापा के साथ क्या कर रहा है, देखिए कहाँ चढ़ ले पैर के पास। हाँ ऐसे बोलता है कि पैर चलिए, हमको यहाँ पर बैठाइए, उन्हें वो लटकल जानते हैं किस वजह से है कि हमको यहाँ पर बैठाइए, यहाँ पे अभी देखो ना पेंटिंग कर रहा है, सेवन पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे कभी से देख रहे बोलो कभी ए पहले हो गया हमारा रील्स खत्म हुआ फाइनली। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, कपड़ा चेंज करेंगे, बाजार तो ही ले जाने वाले में से है नहीं, बोलते हैं कि तैयार होके कहाँ जाएंगे बाजार, नहीं लेके जाएंगे हमको, तो जा रहे हैं हम कपड़ा खोलते हैं। और ये सेट है, ये भी मेरा 99 का ही है, और ये साड़ी भी 90, दोनों 99 का ही है, तो अब चेंज करके मिलते हैं आप लोगों से, क्योंकि बहुत सारा कपड़ा भी रखा हुआ है धोने के लिए, बर्तन है, खाए हैं जो, क्योंकि 2 बजे से ही हम तैयार हो रहे हैं सोच लीजिए, और अभी शायद 6 बजे बज चुका है, 4 घंटे से हम ऐसे ही रील्स खेल रहे हैं, और इनको एक भी डायलॉग इनको याद नहीं होता है, एक को बनाने हमको 1 घंटा से ज़्यादा लगता है। तुमसे शादी कर गए तो मेरा दिमाग ही हैंग हो गया है, क्या याद होगा, बड़का हैंग हो गया। तो हम लोग ऊपर से आ चुके हैं, खाना वगैरह बना लिए हैं और हम लोग खा भी लिए हैं, आज सबसे पहले बाबू खाया है खाना, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ था, क्योंकि हम रील्स बनाने के चक्कर में थे, इसका खाना भी नहीं खिलाए, देखिए मार रहा है अभी, इसको याद आया कि हम खाना नहीं खिलाए ना, तब भी मार रहा है, देख रहे हैं कितना बदमाश है, और वो अभी तक सो रहे हैं, उनका सर में दर्द है, देखिए कैसे कर रहा है, दर्द दर्द सोए हुए रहते हैं ना ये, और ये जागता हुआ रहेगा ना तो बेचारा कभी चैन के नींद नहीं आएगा, सोने नहीं देगा एकदम, और को आदत हो गया उस उतल भी रहेंगे ना या उस कूदते रहेगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सो जाएंगे आराम से, और हम पे तो कुत्ता है तो तुरंत नींद खुल जाता है। तो देखिए बाबू क्या कर रहे हैं, इतना रात में पता है अभी 10:30 हो रहा है,
और देखिए अब इसको खेला सोचता है, खेला खेल रहा है अपना गाड़ी से, सब बदमाश हो गया ये। हमको नींद आ रहा है बहुत, लेकिन अभी तक काजल धोए हैं, लेकिन काजल अभी भी लगा है। अभी लैपटॉप वगैरह सब यहीं छोड़ दिए, देखिए अब बाबू उठा कर फेंक देगा, उसको मन करेगा कि नहीं लाओ हम फेंक देते हैं इसको, फेंक देगा तो कहेंगे कि फेंक दिए तेरा बेटा, कितना बदमाश है। काफ़ी रात हो चुका है, तो आज का वीडियो बहुत स्ट्रगल भरा रहा हमारा, बहुत परेशानी हुआ साड़ी पहनने खोलने में, उसी चक्कर में बेचारा के सर में बहुत दर्द हो गया, देख सकते हैं सो रहे हैं, और उस पर कूद के बाबू साहेब पूरा शरीर दबा रहा है सुत सुत के। तो बताइए वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द चले जाए। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ कल, तब तक के लिए बाय बाय।